मम्मी मैं पता नहीं कहाँ आ गई। राधे कृष्ण यूट्यूब फैमिली, तो आज हम लोग जा रहे हैं सिफ्टी घूमने। लगभग एक साल पहले वो जगह ढूंढी गई थी, तो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वहाँ पे पहली बार जाएंगे, वाटरफॉल है वहाँ पे बोल रहे हैं, देखते हैं। वैसे अभी तो बारिश वारिश हो नहीं रही है, सूखा ही होगा, क्या क्या है देखेंगे। बट पहले हमारा सुबह जाने का प्लान था, लेकिन आज श्राद्ध भी है मामी का, नानी कह रही थी लगभग 90 से 100 लोग होने वाले हैं खाने वाले, इसलिए तुम अभी मत जाना, श्राद्ध हो जाएगा, उसके बाद जल्दी से पहले तुमको खिला देंगे और तुम फिर चले जाना। इसलिए दिन में लगभग 1 बजे हम निकलेंगे। अभी देखते हैं नीचे श्राद्ध की क्या क्या तैयारी चल रही है। और यहाँ पे सब लोग काट रहे हैं सब्जियाँ। ये मिर्च जैसी क्या है रे, दूध में फटेगा नहीं, नहीं दूध में मिर्च, दूध फटेगा नहीं तभी डालेंगे। मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ ये, देखेगी रोज। दूध फटेगा नहीं करके मिर्च डालते हैं, मिर्च होती नहीं है क्या ये वाली? कौन सी मिर्च है, लाल हरी? खाना बन गया है सलाद का। अभी हम लोग लाइन में लगे हैं, बस इसके बाद हम लोग घूमने के तैयार है बिल्कुल। लेकिन अभी स्कूटी का इंतजाम नहीं हो पाया है, दो लोगों ने अपने मम्मी पापा से परमिशन लेने में थोड़ी डर लग रही है। हम लोग फरार होने वाले हैं बिना परमिशन लिए, आने के बाद सुन लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ मैं पूछूंगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे धोती बदल के चल रहा है, तन्नो भी धोती बदल के खा रहा है। बड़ा काफी क्रिस्पी और स्वादिष्ट हो रहा है और खाना भी बहुत टेस्टी है। आज मैं मामा की स्कूटी लेके आई हूँ और अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। अंकित की स्कूटी में और मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, बाकी सबकी स्कूटी में पेट्रोल, इसलिए वो हमारे रास्ते में रुके हैं। अरे इसकी इनकी भी नहीं है, ये भी पेट्रोल भरवाने आए हैं। दूसरी स्कूटी चला रही है और मैं बना रही हूँ ब्लॉग, और हम जा रहे हैं पता नहीं कहीं झरने में सिफ्टी। पर कुछ तेरा रुक जा, मैं उतर जाती हूँ, मैं उतर जाती हूँ। चिंता ही कहते बाप रे, इतनी धीरे मतलब तेज क्यों चला रहे हो रे? गाइज ये घर से बोल के आए हम टी गार्डन जा रहे हैं, जो इनके घर से 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है, और हम यहाँ 30 किलोमीटर दूर आ गए। ऐसी स्कूटी मुझे दी है, ना इसमें शीशा है ना पीछे देखने के लिए, ना इसमें आगे के ब्रेक, आगे के ब्रेक है हल्के हैं, पीछे के ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं ऐसे डाउन में निगन्नी मोड़ में स्कूटी लेके आई हूँ। अब यहाँ पता नहीं कौन सी लोकेशन भी लेके जा रहे हैं, अगर इनके जैसे सड़ी हुई लोकेशन हुई ना साले को बम से उड़ा दूं। तो हम जा रहे हैं नीचे को, देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। आज के बाद अगर ढंग की जगह नहीं हुई ना, मेरे कान में बंद हो गए स्कूटी चला के, और पैजामा ब्लैक कलर का लाई थी, धूल ही धूल हो गई है पूरी।
ऐसा तो इससे अच्छा तो मेरा गांव है। ऐसा लगा मैं अपने गांव में हूँ। पागलों की तरह इतनी दूर आया, स्कूटी कैसे चलाई है मेरे को पता है, ऐसी मोड़ों में और लास्ट में ऐसा लोकेशन है। कान बंद हो गई क्या है ये गधेरा, इससे अच्छे मेरे गांव में इतनी लोकेशन है, नीचे जाए जाके तो देख। घर से झूठ बोल के आए 35-35 किलोमीटर दूर और ऐसी जगह पे आए हैं। हालत खराब हो गई, कान बंद हो गए मेरे सारे। वापस चलो मम्मी, मैं पता नहीं कहाँ आ गई। इतनी प्यास लग गई है अभी। रास्ते में एक घर दिखा और यहाँ पर पानी पी रहे हैं। इसे घूम घाम के हम आ गए हैं चंपावत के सर्किट हाउस में। यहाँ से लोकेशन बहुत अच्छी आ रही है। ब्लॉग भी मेरे फ़ोन में बनाया जा रहा है, फोटो शूट भी मेरे में हो रहा है। मेरा फ़ोन पिट चुका है सुबह से। वैसे यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर आते हैं हल्द्वानी टू चंपावत या कहीं बाहर से, तो ये यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। क्रिकेट चल रहे हैं यहाँ पे, मेरा हेलीपैड यहाँ पे लैंड होते हैं वो हेलीकॉप्टर। और यहाँ से दिख रहा है चंपावत। सर्किट हाउस है यहाँ पे, रेस्ट वगैरह टूरिस्ट आते हैं जो वो रहते हैं। बाकी यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, आजकल ही बना है, एक साल हुआ है इसे बने हुए। न्यूट्रल